के सभी नव वर्ष के मूड में लग रहे हैं। वैसे तो डायरेक्टली आप लोगों से जुड़ाव हमेशा मेरा रहता है, यूथ फोर डीएम के द्वारा भी। आज आप लोगों के लिए हमने रुझान युवाओं का ऐप लॉन्च करने में जा रहा हूं। उस ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपके क्या रुझान है उसमें आपको बताना है, ताकि आपके रुझान के हिसाब से आपकी समस्याओं का निदान मैं कर सकूं। बहुत सारे लोगों की समस्या करियर की है, खासकर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी समस्या वैसे हैं जिनको स्वरोजगार की जरूरत है, और तीसरे वैसे हैं जिनको गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब चाहिए। जॉब में भी खास तौर पे आपकी इच्छा हमेशा गवर्नमेंट जॉब की होती है, भले प्राइवेट जॉब में पैसा कितना भी मिले, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है, अपॉर्चुनिटी कम है। एक खास बात मैंने देखा सीतामढ़ी में, हमारे साथ सब लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे जैसा और भी कुछ रोबोट बना दिया जाए, ताकि आप लोगों की इच्छा जो है पूरी होती रहे। अदरवाइज जो है बहुत मुश्किल हो जाता है एक पदाधिकारी को सबको सेल्फी देना। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मेरी जैसे आप सभी बने, ताकि आपसे भी लोग सेल्फी लें, और सभी लोगों को बनना चाहिए। आप अपने अपने क्षेत्र में, जिनको भी प्रशासनिक क्षेत्र में आना हो या जिस भी क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में करियर बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर ही बने, आप स्वरोजगार के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से मैं प्रोत्साहित भी करता हूं, और उनके साथ पिक भी मिलने का चांस बन जाता है। अगर अच्छा करते हैं तो मैं आपको स्पेशली बुलाता हूं अपने ऑफिस में और आपको सम्मानित भी करता हूं। तो युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में बेटर करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको अपने कार्यालय में सम्मानित करेंगे, विभिन्न अवसरों पर सम्मानित करेंगे, और आपको सेल्फी लेने का भी चांस मिलेगा। तो युवा मित्रों से मुझे यह जरूर कहना है कि आपको दो तीन चीजें जरूर करनी चाहिए। जो छात्र छात्राएं, जो हमारे युवा मित्र हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 24 घंटा आप उसके बारे में सोचें। आपको तन और मन दोनों जो है उस एग्जाम्स के लिए समर्पित करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। दूसरी बात है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको स्वरोजगार को अपनाते हुए अपने जो ड्रीम है उसको पूरा करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं गरीब हूं और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे, सभी के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा हुआ है। आपको पहले ऐसा लगेगा फर्स्ट अपीयरेंस में कि वैसे ही गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत सारे हमारे यहाँ मित्र खड़े होंगे जो मेरे बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो बाद में जान लें। तो हर एक व्यक्ति के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल आप करेंगे लाइफ में जरूर अचीव करेंगे। तीसरी बात है कि आपको जीवन एक बार मिला है, तो जिंदगी में आपको जितना भी अच्छा करना चाहते हैं उसको आप जरूर करें, क्योंकि बाद में अफसोस न रह जाए कि हमें करना क्या था या बनना क्या था, हम बन नहीं पाए। और करना आप ही लोगों को है। कभी भी डिप्रेशन, कुंठा के भाव से ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास असीम क्षमता है। उस क्षमता का उपयोग जरूर करना चाहिए। असीम क्षमता की बात मैं इसलिए करता हूं कि अगर सिविल सर्विसेज को क्रैक करना हो, आईएएस आईपीएस बनना हो, तो अपने मस्तिष्क का 2-3% अगर यूज करते हैं तो आप आईएएस बन जाते हैं। आइंस्टीन ने जब सापेक्षता का नियम दिया था, उन्होंने अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन का ओनली 17% यूज किया था। आप समझ सकते हैं कि 100% को यूज नहीं करता है। मैं कहता हूं कि अगर आपको अपने जीवन में हासिल करना है तो हमेशा अपने ड्रीम के लिए करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बात मैं देखता हूं युवाओं में कि सबको इच्छा होती है कि चलो हम पुलिस में चले जाए, आईएएस बन जाए, डॉक्टर्स बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए, बहुत कुछ कर जाए, लेकिन क्या करते हैं वो, ठंडे का मौसम है, कंबल तान के सपने देखते रहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं किया जाता। लेकिन जो प्रयास करता है उसको सफलता जरूर मिलती है।
इसीलिए आप जितना सपने देखते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करने की जरूरत है, कंटिन्यू को लगन करने की जरूरत है। और जो सतत रूप से कंटिन्यू लगन रखता है वो कभी असफल नहीं होता है। बार बार आप असफल होंगे लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। यानी कि आप सफलता के लिए कंटिन्यू प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे अपने जीवन में। आप सबको पता होना चाहिए सीतामढ़ी से सभी जॉब में जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है सभी में ऑन एवरेज हर महीने कम से कम 600 से 700 सीतामढ़ी के युवाओं को जॉब मिल रहा है। आप बोलेंगे मुझे कैसे पता है, क्योंकि उनके वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास ही आता है उनके कैरेक्टर से लेकर बाकी चीजों के, तो मैं देखते रहता हूँ किसका किस में जॉब हुआ है। तो मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी है और आप लोगों का हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, मैक्सिमम लोग अपना मोबाइल जो है मेरे तरफ करके आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगा, फिर आप यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन दिन भर सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं, रात में 12-1 बजे 2 बजे जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहता है, तो पढ़ाई कब होगा, उसका भी लिमिटेशन है। जब मैं पढ़ता था तब ये इंट्रोड्यूस हुआ था इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मैं भी यही करता रहता। आप लोग इसका कम से कम यूज करें।